हाँ जी बेटे, लास्ट वीडियो में हम निर्धनता निरोधी उपाय देख रहे थे। दो उपाय बताए गए थे इसमें, एक तो आर्थिक समृद्धि, दूसरा जो है वह लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों कार्यक्रम में हमने देखा था, जो अभी हमने पढ़ा था वो था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें क्या था कि एक ग्राम में रहने वाले किसी एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन के लिए कम से कम रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, और इसमें 1/3 जो सीट थी वो महिलाओं के लिए रखी थी। अगर वो रोज़गार उपलब्ध नहीं करवा पाते तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। दूसरा हमने देखा था काम के बदले में अनाज, जो कि 150 जिलों में 2004 में लागू किया गया था, काम के बदले में लोगों को अनाज मिलता था। तीसरा था हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसमें हमने देखा था इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो थे छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवकों को जो था वो स्वरोजगार अवसर उनको उपलब्ध करवाना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था। और उसके बाद था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, जो 1999 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य था सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजक द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना। उसके बाद है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करना। एक और महत्वपूर्ण योजना है वो है अंत्योदय अन्न योजना, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। इसमें क्या थे मिले जुले परिणाम हैं, उनमें से कम प्रभावी होने के कारण मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी थी। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं, अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में उचित परिवीक्षण पर ज़्यादा बल दिया गया। उसके बाद चुनौतियाँ देखो क्या क्या हैं, निर्धनता तो है ही है, एक और चुनौतियाँ, भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत में एक सबसे बड़ी वाद्यवाही चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता व्यापक असमानता, कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक सुरक्षित, हमने पीछे देखा था ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हो गए या फिर गाँव में कृषिहर मजदूर हो गए, शहरों में कुछ लोग, कहते निर्धनता उन्मूलन के तहत कोशिश की जा रही है कि इनको कम किया जा सके। उच्च आर्थिक समृद्धि या सर्वाधिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या निकाय में गिरावट या फिर महिलाओं और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ती सशक्तिकरण के संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की ज़्यादा परिभाषा क्या है, उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है, या न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह में न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया और निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धन तक ही कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या फिर स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा है या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अपने दशक में अब तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता या निर्धनों को सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये भी बहुत बड़े काम है। निर्धनता के साथ साथ इन सब चुनौतियों को भी का भी सामना हमने करना है और इनको भी हमें दूर करना है। ये जो था बेटे हमारे निर्धनता के कारण या फिर निर्धनता दूर करने के उपाय। आगे इसकी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दो दो तीन तीन करके भेजूँगी, आप लोग करना। हम लोगों का बेटे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारा जो है वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। आगे इसका कुछ सारांश दिया गया है, इसकी क्या है समरी क्या है, इसमें हमने क्या देखा, निर्धनता रेखा के बारे में देखा कैसे मापा जाता है, फिर विश्व लेवल पर निर्धनता के बारे में पढ़ा, फिर मानव निर्धनता के विस्तार के बारे में देखा और कई चुनौतियाँ हैं जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में किया। तो इससे हमारा ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी और आप धीरे धीरे बेटे याद करोगे और टेस्ट की भी जो है वो साथ साथ तैयारी करो।